दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के ठंडे को से नून अलिफ से तर्क कर दे, मेरे ख्याल में मीम डाल दे अल्लाह। गौसे आज़म ब मने बिसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद, काबे इमाम मदद, नूर यज़दा मदद, सैयद व सुल्तान मदद, शाह शाहा मदद, फख्र रसूला मदद। तुई सरकारे दो आलम, तुई मकसूदे हयात, तुई सरकारे दो आलम, तुई मकसूदे हयात, मालिक कौनो मका, काबे इमाम मदद। दर गुलो तो खे गुलामी शही अशरफ दारम, दर गुलो तो खे गुलामी शही अशरफ दारम, या हबीबी बतो फैले शही सिमला मदद। माजद सामने किराम, सरे शाम से अब तक आप हजरात इस बाबरकत महफिल में जश्न दस्तार एजाजी के मौके से आप हजरात तशरीफ रखे हैं, बड़े मुबारकबाद हैं आप हजरात के इस बाबरकत महफिल में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने के लिए आप रात की इस तारीकी में अपने वक्त को गुजार रहे हैं। ये सब उलमा की मोहब्बत है, अल्लाह पाक आप सबके दिलों में उलमा इकराम की मोहब्बत को बैठाए रखे। और चूंकि ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, आप अपनी निगाहों से मुशाहदा कर रहे हैं कि मिंबर नूर पर इस वक्त आलिम नबी फाजिल जलील हज़रत मौलाना मोहम्मद मनवर आलिमी साहब की दस्तारबंदी सजी है और वो मिंबर नूर पर रौनक अफरोज है। और चूंकि ये महफिल अपनी कामयाबी की जानिब रवा दवा है, हमसे बेशतर बहुत सारे खुतबा शोरा से भी आपने समात किया है, तो आप हजरात ने इल्म के ताल्लुक से और उलमा के ताल्लुक से बहुत सारी मुफीद बातें आपने समात किया। और इस वक्त सरपरस्ते जलसा मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रतुल्लाह हज़रत अल्लामा व मौलाना क़ारी मोहम्मद मुतीउर रहमान साहब और शफ़ी इस्माही साहब क़िबला, उनकी भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर दोबारा हाजिरी होगी। और साथ ही साथ नक़ीबे सदाबहार पैकर इख़लास व मुहब्बत, अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम और उनकी इताअत करो जो तुम्हें हिकमत वाले हैं बड़े लोग हैं। बाज़ मुफस्सिरीन बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उलिल अम्र से मुराद ये उलमा की जमात है। तो अब इस आयत करीमा का मतलब ये हुआ कि ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उलमा की इताअत करो। जरा देखें कि इस्लाम में अदब का मकाम क्या है। चूंकि आज हमारे मुआशरे से अदब का फुकदान हो रहा है, आज हमारे मुआशरे से अदब खत्म हो रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक इंसान आया, अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में अदब का मकाम क्या है, इस्लाम में अदब की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इस्लाम कुल्लुहु अदब, यानी इस्लाम मुकम्मल अदब सिखाता है। हजराते गिरामी, हर चीज का अदब, हर चीज का एहतराम उसकी मुनासबत की जाए। मिसाल के तौर पर खाने काबा का अदब यह है कि आप खाने काबा की तरफ पांव को ना फैलाएं। मस्जिद का अदब एहतराम यह है
क्या मस्जिद बगैर वजू के दाखिल ना हो। कुरान का अदब यह है, क्या बगैर वजू कुरान को ना छुए। बिला तमसील हर चीज का अदब और एहतराम उसके मुनासिब की जाए। और आइए देखें इस्लाम में अदब का मकाम क्या है। एक प्यारे सहाबी हजरत उसामा बिन शुरैक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था, मैंने क्या देखा, सहाबे किराम आपके इर्द गिर्द इस कदर अदब से खड़े थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं परिंदा आपके गर्दिश ना कर रहे हो। जरा कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला हम बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है। एक इंसान एक गरीब सहाबी एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक झाड़ी के पास से गुजर रहे थे और वो इंसान अपने जिस्म पर एक मोटा कंबल ओढ़े हुआ था। जब एक झाड़ी के पास से गुजर रहा था उसने एक परिंदे के बच्चे को देखा, वो परिंदे के बच्चा उसके नजर में भाग गया। वह इंसान उस परिंदे को अपने कंबल में छुपा लेता है, दौड़े दौड़े आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने उस परिंदे के बच्चे को रख देता है। रखने के बाद जैसे ही उस परिंदे के बच्चे को रखा जाता है तो क्या देखते हैं कि उसके जो कबीले के सारे परिंदे थे वो इर्द गिर्द आपके सरों पर चक्कर काटने लगे। वो इंसान को बड़ा ताज्जुब हुआ कि भला बताइए एक परिंदा है और उसके कबीले के जितने परिंदे हैं सबों के दिल में कितनी मोहब्बत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए नौजवान, तुझे इस परिंदे के बच्चों पर इतनी मोहब्बत को देखकर ताज्जुब पड़ रही है। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इससे ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह मेरा रब कितना बड़ा करीम है कि अल्लाह तबारक व तआला हम जैसे गुनहगार बंदों से कितनी मोहब्बत फरमा रहा है। जरा देखें इस्लाम में अदब का मकाम देखें। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मदीना शरीफ में 40 साल रहते हैं लेकिन आप कभी अपने पांव में जूता नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते, अदब के एहतराम अदब और एहतराम में। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कदम ऐसी जगह पड़ जाए जहां आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक आए हैं। हजरत इमाम मालिक का अदब देखे। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में अगर कोई इंसान आता और कहता ए इमाम मालिक मैं आपसे मसला जानना चाहता हूँ, हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला उसी वक्त फौरन मसले को बता देते। लेकिन अगर कोई ये कहता ए इमाम मालिक मैं आका की हदीस सुनने के लिए आया हूँ, हजरत इमाम मालिक फौरन फरमाते ठहरो, मुझे वजू कर लेने दो, मुझे गुस्ल कर लेने दो, मुझे उम्दा लिबास पहन लेने दो। एक उम्दा किस्म की कुर्सियां लग जाया करती थी। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेल को बगैर वजू के बगैर गुस्ल किए बगैर अत्र से मुअत्तर हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को बयान करना ना पसंद फरमाया। ये इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला का अदब था। जरा देखें तारीख इस्लाम में, आखिरी बात पेश कर, तारीख इस्लाम में बहुत कम ऐसा बादशाह गुजरा है जो बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो। लेकिन एक नाम महमूद गजनवी का आता है। वो बादशाह जब रात की तारीकी होती है वो बादशाह अपने आराम के लिए अपने घर में आता है, अपने बिस्तर पर आता है। उसने क्या देखा कि एक ताक पर अल्लाह का मुकद्दस कलाम कुरान मुकद्दस रखा हुआ है। उसके दिल में ख्याल आया ए महमूद गजनवी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा अदब तुम्हें ये सिखाता है कि तुम उस रूम में सो जिस रूम में अल्लाह का मुकद्दस कलाम हो। ए महमूद गजनवी फौरन उठता है, उठने के बाद कुरान मुकद्दस को उस ताक से हटाकर दूसरे रूम में रख देता है। फिर ख्याल आता है ए महमूद गजनवी तुमने क्या किया, अदब का तकाजा ये नहीं था कि तुम कुरान को दूसरी जगह रख दिया बल्कि अदब का मकाम ये था कि महमूद गजनवी तुम खुद दूसरी जगह चले जाते लेकिन कुरान को उसी मुकद्दस जगह पर रहने दिए जाते। महमूद गजनवी उठता है, अपने रूम से निकलता है, कुरान को उठाता है और पहली जगह पर रख देता है। जब महमूद गजनवी का इंतकाल होता है लोगों ने क्या देखा कि वो
جنت میں داخل کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا ناصر الدین اشرفی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اب بلا تمثیل, جب ایک بادشاہ قرآن مقدس کا ادب کر کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو وہ فرعون, وہ مردود ملعون وسیم رضوی جس نے قرآن کی آیت آیتوں کی تحریف کی بات کر رہا ہے, وہ ملعون, اس کے اندر یہ جرأت کہاں سے ہوئی کہ وہ قرآن مقدس کے 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان قرآن, صبح ازل سے صبح قیامت تک اس قرآن کے ایک حرف کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ مقدس کلام جس قرآن مقدس کو میرے رب نے اپنے پاک نبی کے پاک قلب اطہر پر روز اول سے جس قدر نازل فرمایا, یہ صبح قیامت تک یہ قرآن اپنی تمام آیات کے ذریعے, تمام حروف و سکنات کے ذریعے حضرات گرامی, آخری بات پیش کر, اذان ہوتی ہے نا, ہم لوگ اذان سن کر انسن ہو جاتے ہیں, اپنا کاروبار کو نہیں چھوڑتے. اذان ہو رہی ہے, ہم لوگ چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں, اور یہی ہمارا حال رہا نا. تبھی کچھ دن پہلے آپ سنے ہوں گے کہ الہ آباد یونیورسٹی کی جو پرنسپل تھی اس نے تھانے میں ایک واچکا دائر کیا, اس نے کہا کہ یہ لوگ جو فجر کی اذان صبح میں اذان دیتے ہیں نا, اذان کی آواز سے میری نیند اڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے میں یونیورسٹی کا کام نہیں کر پاتی ہوں, لہذا اذان کو بند کر دیا جائے. اللہ اکبر, یہ اذان کتنے مقدس کلمات ہیں اذان میں. ہارون رشید بادشاہ کو کون نہیں جانتا, آپ کی بیوی ملکہ زبیدہ ہے, اسے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے, وہ اپنی خادمہ سے کہتی ہے پانی کا پیالہ پیش کرو. جیسے ہی خادمہ پانی کا پیالہ پیش کرتی ہے نا, مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے. ملکہ زبیدہ کہتی ہے ٹھہرو, پہلے اذان تو سن لینے دو. جب اذان ختم ہو جاتی ہے, ملکہ زبیدہ پانی کا پیالہ نوش کر لیتی ہے. جب ملکہ زبیدہ کا انتقال ہوتا ہے, لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ باغیچے میں ٹہل رہی ہے. لوگوں نے پوچھا, اے ملکہ زبیدہ, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اے ملکہ زبیدہ, اللہ تعالیٰ تجھے یہ مقام کیسے عطا کیا؟ وہ ملکہ زبیدہ کہتی ہے, اے پوچھنے والوں ہم سے مت پوچھو, میں نے اذان کا ادب کیا تھا تو اللہ پاک اذان کی ادب کی برکت سے میرا خاتمہ ایمان پر فرمایا اور میری خطاؤں کو معاف فرما دیا. تو جب ایک ملکہ زبیدہ اذان کے مقدس جملوں کا ادب کر کر جنت میں جا سکتی ہے, تو ہم تو اس نماز کے قائل ہیں, ہم تو اس اذان کے قائل ہیں جس اذان کو سنتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے ہم مسجد کی طرف روا دوا ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اذان کا ادب و احترام کریں, قرآن کی عظمت کو جانیں, علماء کی قدر کریں. حضرات گرامی, اب دیکھ رہے ہیں آپ کے گاؤں میں ایک عالم دین حضرت مولانا محمد منور رضا عالمی صاحب, ان کے پہلے کی زندگی جو تھی وہ آپ کے سامنے, لیکن اب یہاں سے ایک عالم بن کر نکل رہے ہیں. تو میں ان کے گھر والے اور محلے والے سے بھی گزارش کریں گے, گاؤں میں ہوتا ہے نا ماحول ہوتا ہے, اپنے سے کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو رے منور رے نام کر کے پکارتے ہیں نا, اس میں علماء کی توہین ہوتی ہے. تو
इंसान इसे जे मनोवर करके नहीं पुकारेंगे, बल्कि मौलाना साहब कहेंगे या हजरत कहेंगे या मनोवर भाई साहब कहेंगे, है ना, अदब करेंगे। अगर मेरा ईमान कहता है कि जो बंदा उल्मा का अदब करता है ना, अल्लाह पाक उल्मा की अदब की बरकत से उसकी नस्लों में बरकतें अता फरमाता है। लेकिन जो आवाम उल्मा से नफरत करती है, शेख सादी फरमाते हैं कि उसकी सात नस्लों में कोई आलिम पैदा नहीं होता। तो मेरा आपको चाहिए कि उल्मा से मोहब्बत करे, उल्मा का अदब करे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह ला हौला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। सब हज़रात मिलकर पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशा अल्लाह, मैं भला कैसे